से दौड़ करके पीली कोठी तक जाना है। अब मैं जब यहीं से दौड़ना, जब आप लोग यहीं से हमें देखना स्टार्ट करेंगे तो क्या कहिएगा कि सर पहले किस में थे? रेस्ट कंडीशन में, कहोगे तो उस समय हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगा? जीरो। लेकिन अब आप लोग क्या हो, आप लोग पीली कोठी के पास बैठे, पीली कोठी के पास नहीं, अपना जो समर्पण का जो दूसरा वाला बिल्डिंग है वहां पर बैठे हुए थे। अब हम इधर से दौड़ करके जा रहे हैं और जब आप हमें उस बिल्डिंग के पास देखेंगे तो क्या कहेंगे? सर के पास कोई इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, यही कहेगा। तो उसी तरह टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी और ये समय के साथ बढ़ते गए और हम यहाँ पर पीली कोठी पर पहुंच गए। पीली कोठी पर पहुंचे तो उसमें वेलोसिटी हमारी क्या है? वी। तो ये कब का ग्राफ है? When initial velocity is not equal to zero, ठीक है? और ये जो ग्राफ है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है? क्योंकि इसी ग्राफ से हम चीजें अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है? तो अब हम यहां पर कह सकते हैं, ये ग्राफ ध्यान में रखिएगा, t is equal to zero पर initial velocity u और t is equal to t पर final velocity क्या है? v। यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, नोट दे करके लिख रहा हूं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ ऑलवेज गिव्स डिस्प्लेसमेंट। पिछले क्लास में बताया था, नहीं लिखा है था? हाँ, वीटी ग्राफ्स, हाँ पिछले क्लास में भी बताया था, वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? हाँ, जो ए रहा ये वीटी ग्राफ, इसके अंदर वीटी ग्राफ ये रहा, वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक, ठीक है? चलिए, यहाँ तक आप लोगों को पहले से पता है। डेविल स्क्रीनशॉट लो इसको, देखो देखो, एक हमारे पास ग्राफ दिया हो वी टी का, ये देखो वी और टी। शुरुआत में क्या होता है पता है प्रत्यु? शुरुआत में जो आदमी है टी इज इक्वल टू जीरो पर, वो चलना स्टार्ट किया 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? और वो 2 सेकंड तक चलता रहा, 2 सेकंड तक चलता रहा टाइम सेकंड में। फिर क्या हुआ, वो जो है धीरे धीरे उसमें डी एक्सेलरेशन आ गया और धीरे धीरे ब्रेक लगाते लगाते वो अगले 1 सेकंड में वो रुक गया, नहीं 2 सेकंड इसका भी ले लेते हैं, 0 और ये 4, ठीक है? तब आपसे पूछा गया फाइंड डिस्प्लेस डिस्टेंस कवर by object from 0 to 4 सेकंड। 0 से 4 सेकंड के बीच उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इसके बारे में बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो इस वीटी ग्राफ से वो सारी चीजों को प्रूफ करने का कोशिश करता हूं। S is equal to ut plus half at square, V is equal to u plus at, ये सारी चीजों को, ठीक है? चलिए देखिए, आप लोगों को अभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना 9th क्लास में, तो एक चीज आप लोगों को मैं याद करने के लिए दूंगा, एक चीज सिर्फ रटना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तीनों चीजें प्रूफ करता हूं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हाँ, नहीं इस वाले अभी बताता हूँ, ये लास्ट वाला जो ग्राफ बताया हूँ ना, ये ब्लाउ उसको इधर लो। देखिए, ये जो हमने ग्राफ बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ठीक है? यही सी से हम
प्रूफ होगा। देखो सही, प्रूफ प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सब एक करके सारे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जहां पर आया कि ग्राफ से प्रूफ करना है, तो उसमें हम कौन सा ग्राफ का यूज करेंगे? डेविल देव, किस ग्राफ का यूज करेंगे? देव गाय, देव है। तो उस कंडीशन में हम कौन से ग्राफ का यूज करेंगे बताता हूं। एकदम सिंपल यही वाला ग्राफ, वीटी ग्राफ को लिखेंगे, टी वी, और इसमें से ये रहा इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू से लेकर के हम इधर जा रहे हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी हमारी यू थी, और टी इज इक्वल टू टी के ऊपर हमारी वेलोसिटी क्या है? वी। यानी यहां से यहां तक की हाइट क्या है? वी। और यहां से यहां तक का हाइट यू, यहां से यहां तक का गैप क्या है? टी। हाँ ये तो ये ओ हो गया। अब इसको नोमेनक्लेट करते हैं। सबसे पहले ये ओ देते हैं, ए देते हैं, बी देते हैं, और ये सी हो गया। यहां से ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गया? डी, ठीक है। एकदम इतना ही ड्रॉ करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहला प्रूफ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये अगर एंगल यहां थीटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, वी नो दैट इन वी टी ग्राफ एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो देखो पहले वेलोसिटी क्या था? यू। अब क्या वेलोसिटी हो गया? वी। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख देंगे? बी सी माइनस सी डी, और टोटल टाइम क्या है यहां से यहां तक आने में? टी। तो एक्सिलरेशन आप बताओ, बीसी की हाइट कितना, बीसी का लेंथ कितना हो गया? वी है, फाइनल वेलोसिटी वी है, वी। और सी डी कितना, इनिशियल वेलोसिटी यू है बाय टी। तो यहां पर आ गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और ये आ गया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। एक्सिलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी शुरू में देखो इतनी वेलोसिटी थी ग्राफ में, इतनी, और अब बाद में कितनी होगी? इतनी। तो चेंज कितनी हुई? इतनी। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो नोट डाउन करो, एक बार नोट करते जाओ, समझ में आ जाएगा। ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? ओ ए डी सी, एक ये वाला छोटा वाला एरिया और एक ट्रायंगल वाला एरिया, ओ ए डी सी प्लस एरिया ए बी डी, कोई प्रॉब्लम? फिर यहां पर हम लिख देंगे एस इज इक्वल टू ओ ए डी सी, कितना हो गया? ओ ए डी सी, ये कितना हो गया? लेंथ इंटू हाइट। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? टी है, और ये हाइट कितना हो गया? यू। तो यू इंटू टी प्लस, अब यहां से यहां तक लेंगे, ठीक है, इसका, तो ये क्या होगा? हाफ इंटू बेस। यहां से यहां तक का बेस क्या है? टी। और यहां से यहां तक बी डी कितना हो जाएगा? वी डी, अभी अभी बताया हूं, वी माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक वी, बी सी भी हो गया, और सी डी क्या हो गया? यू। तो बी डी क्या हो जाएगा? वी माइनस यू। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये क्या हो गया? वी माइनस यू, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वेशन ए डाल दो। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, यानी फ्रॉम, नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू को ए टी लिख सकते हैं हम? नहीं
वी माइनस यू को 80, क्योंकि वी माइनस यू इक्वल टू 80। अब यहां तक नोट करो, फिर एक लाइन और बचा है बस, यहां तक नोट करो आराम से। और ये क्वेश्चन समझ लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये पता आपको, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे वही वाला ग्राफ। ये बता दिया हूं, ये जो ग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट।